आज हियरिंग में जो है बंद कर एक्यूज की तरफ से बेल के लिए आर्ग्यू किया गया, हमारी तरफ से उसको अपोज किया गया है। काफ़ी कुछ कोर्ट के सामने लीगल इश्यूज हमने रखे जिसके हिसाब से बेल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो है आज कर्नाटका पुलिस, मैसूर पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है। एक्यूज के खिलाफ बहुत सारे संगीन अपराध है, जिसमें एक अपराध जो है 376 का भी है और उसके अंदर वो मॉन्टेज चल रहा है। तो मैसूर पुलिस जो है यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ आ गई है और कल जैसे ऑर्डर के लिए रखा है बेल के लिए, इमीडिएटली मैसूर पुलिस जो अपनी एप्लीकेशन रखेगी कि मुझे इसकी कस्टडी मिली। उसके अलावा भी जो है और भी मैसूर में जो है उनके खिलाफ बहुत सारी FIR है, बहुत सारे केसेज में 138 में उनके खिलाफ नॉन वेरबल वारंट है और वो वांटेड चले आ रहे हैं। तो इतना सिंपल आसान केस नहीं है ये। हो सकता है कि शुरू में प्रोसिक्यूशन ने जो है उसको मनी मैटर कह के कोर्ट के आगे पेश किया, परंतु ये सिर्फ पैसे का मैटर नहीं है, ये किसी एक वुमेन पे जो है अत्याचार जो हुआ है उसका केस है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बेल के आसार हैं और कल हमारी डेफिनेटली जीत होगी। तो आज बेल नहीं आना सर नहीं, आज तो जब मैटर ही कल पे रखा है ऑर्डर्स के लिए तो आज नहीं का सवाल है। एज अ आर्ग्यूइंग काउंसिल डेफिनेटली मुझे पूरी आशा है कि बेल नहीं आएगी। नहीं, मैं तो लॉ जानती नहीं हूँ। सर ने जो बोला है बहुत ही आर्ग्यूमेंट किया है, बहुत ही कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने जज से मैं आर्ग्यूमेंट किए हैं, 1 आवर सभी एडवोकेट ने। कल होगा देखिए अभी बेल आर्ग्यूमेंट उन्होंने उनकी तरफ से तो जून के बाद रखनी थी रखी, उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश की। हमारे पास जो आज तक जो रिपोर्ट अभी जो कुछ हमारे पास जो भी हमको नया कुछ मिला उसके अंदर, जैसे कि उसके अगेंस्ट में कुछ ऑफेंस थे उसके बारे में जो हमको माहिती मिली है, और अभी एक तो जो यहाँ पे उनकी कस्टडी नकारी गई है उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने रिविजन फाइल किया हुआ है, वो सेशन कोर्ट में अभी चल ही रहा है। अभी फिलहाल तो मैटर कोर्ट के पीछे रखा हुआ है कि रिविजन की सबसे बड़ी हो रही है रिविजन, और मैसेज जो पुलिस आई है वो भी अपना काम कर रही है यहाँ पे। तो रिविजन का जो पेपर है उसके बारे में कोर्ट ने सुनवाने के लिए पेपर्स मांगे हुए हैं, वो पेपर जैसे कोर्ट में चले जाएंगे उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर होगी बिल एप्लीकेशन में। जैसे हमने स्टेट की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन मिली थी उसके लिए जो ऑपोजिशन करना जरूरी था वो ऑपोजिशन हमने किया ही है, और फिलहाल अभी हम लोग एक ऑर्डर के लिए रुके हुए हैं। कुछ और फॉर्मेलिटीज और कुछ डॉक्यूमेंट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने हमको बोला हुआ, तो बाय द टाइम हम लोग वो करेंगे पॉसिबली हो सकता है शायद आज शाम तक कुछ ना कुछ एक अच्छा ऑर्डर मिल गया। ओके, एफिडेविट की बात की गई है सबमिट करने की? नहीं, एफिडेविट की बात एक्चुअली मैंने कहा है कि एक तो पेपर आ जाए कोर्ट में तो काफ़ी है, यहाँ पे पेपर नहीं ला सकते तो एफिडेविट, वो दोनों अभी पास है। लेकिन जहाँ तक है हमारे पास जहाँ तक है पेपर आई जाएंगे, आधे घंटे में पेपर आई जाएंगे, तो एफिडेविट की बात आई। ऐसे में मैसूर जी अभी देखिए वो उनके केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आरोपी की कस्टडी लेने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। ऐसा देखा जाए तो उनके लिए फिलहाल तो इतना ही है इम्पोर्टेंट है कि वो कस्टडी लें आरोपी की, तो आरोपी की गुहार लगा की कस्टडी की गुहार लगाने के लिए हमारे पास आए हैं। और हमारे इन्वेस्टिगेशन अपना जो केस है वो टोटली डिफरेंट है, बस क्योंकि जबकि आरोपी हमारे केस में यहाँ अरेस्ट है तो इसलिए उनको फॉर्मेलिटी होती है, लीगल फॉर्मेलिटी होती है, उनको हमारे कोर्ट में आना पड़ता है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है, तो उसी सिलसिले में वो गायब हुए। फिलहाल उस केस के बारे में हम लोग ज़्यादा बताएंगे सब। फिलहाल अभी फिलहाल दोपहर तक सब जो है कुछ देर के लिए काम अपना चल रहा है, दोपहर के बाद में पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। फिलहाल थोड़ा सा हमारे एडवोकेट है वो डिफेंड करेंगे। देखिए इनके ऊपर जो इल्जाम अभी किए गए इनके जो इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने उसके साथ क्यूएनटी की है, मगर ऐसा अगर कुछ होता है जब भी किसी को पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसे मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाएगा, और यहाँ भी वो कंपलसरी है उनको लेके गया। अगर ऐसा कुछ होता तो डेफिनेटली मेडिकल एग्जामिनेशन में आता, नंबर वन। नंबर टू, उनकी बेल एप्लीकेशन में कम से कम कहीं तो कुछ लिखा होता, मगर बेल एप्लीकेशन में कुछ ना लिखे एक कोर्ट के आगे सिंपति क्रिएट करने के लिए और इस आर्ग्यूमेंट्स में कोई दम नहीं है। राखी जी सवाल ही नहीं उठता, बल्कि वो अपने आप में विक्टिम है, उनको इतना सताया गया है, उससे आगे क्या हो सकता है। ठीक, थैंक यू।